इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना है ऐसे लोगों को ना बेवकूफी बना के रखो हाँ, हाँ हाँ ट्रेंड है ट्रेंड है सही मत मत कर मत कर <laughs> मत कर <मत> कंपटीशन <laughs> हाँ, क्यों भाई को, को हाँ बहुत कंपटीशन है भाई कुछ और कर ले <laughs> प्लीज अरे बीएड कर टीचर बन डॉक्टर बन इंजीनियर बन आईएस बन यूपीएससी क्रैक कर ये सब करना क्या है कॉन्टेंट में मत कर मेरा तो ऐसा ना भाई मुझे ऐसा लगता है की आप कॉन्टेंट क्रिएशन ये सब करते करते भी कर सकते हो अगर आपके अंदर है दम तो आप प्राइमरी लाइफ में डॉक्टर बनो और कर ही मैक्सिमम लोग ऐसे ही मैंने तो एक पूरा कोर्स बनाया है टारगेटिंग हाँ हा। तो, तो सपना है जशांत भाई मेरा सच में सपना है कि बहुत सारे ओके लेट्स कॉल बुलशिट बुलशिट ओके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट पे चार रिपोर्ट पढ़ के वीडियो देते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सालों साल लगाते रिसर्च करके सब चीज़ों करने में राइट मैं तो कॉल आउट करता हूँ यदि कोई बोलता है ना फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंस का एग्जाम्पल ले लो और यदि कोई बोलता है ना अरे यार ये सोलह साल का बच्चा अठारह साल का बच्चा बीस साल का बच्चा ये सिखाएगा क्या आपने को कैसे इन्वेस्ट करना है ये क्या फालतू वीडियो बना रहा है इसका नॉलेज में डेप्थ नहीं है तो मेरे कहने का मतलब है तू एक्सपर्ट है ना तू बना ना साले नहीं।, नहीं बना रहा ना तो चुप बैठ सिंपल है ना कहानी

हमसे दो तीन जनरेशन पहले के लेगेसीज आर इन द बुक राइट रिटर्न फॉर्मेट। अभी दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज द रिटर्न फॉर्मेट ऑफ टूडे तो राइट तो तुम इधर लेगेसी नहीं छोड़ोगे तो फिर फिर बाद में यह मत बोलनासिबल इस और इसमें एक और चीज है ना काफी लोगों को ये लगता है कि यार मुझे ही सब चीज करना है क्यों उनको ये नहीं समझता कि टीम बिल्ड करके उसको कैसे डेलीगेट करना है क्योंकि एक डॉक्टर है उसको लगता है कि मैं पेशेंट को देखू या कॉन्टेंट बनाऊँ आपको ये भी समझना है कि हर एक चीज आप सिस्टम्स और प्रोसेस के थ्रू करोगे सब चीज पॉसिबल है अभी फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गिव अ वेरी बिग शाउट आउट टू आवर फ्रेंड डॉक्टर सिद्धार्थ वॉरियर ही इज अ न्यूरो फिजिशियन ब्रेन का डॉक्टर है वो भाई उसने ना पंद्रह साल की पढ़ाई करी है बीच में मैं मैं थोड़ा बीमार हो गया था तो वी वेंट टू कंसल्ट हिम तो और मैं ही गए थे उनके ऑफिस हम उनके ऑफिस गए थे क्लिनिक हॉस्पिटल के अंदर उनका क्लिनिक है तो मैंने उनको बोला कि सिद्धार्थ भाई अभी क्या कंटेंट का क्या चल रहा है वो तो मैं बोला और हॉस्पिटल आप रोज आते हो बोलता हाँ रोज आता हूँ मंडे टू सैटरडे रोज आता हूँ वो अपने हॉस्पिटल में ग्यारह बजे से पाँच बजे चार बजे तक बैठते फिर वो घर जाते घर जाने के बाद जो भी है उसके बाद वो कॉन्टेंट रिकॉर्ड करते हैं आप टीम के साथ बात करते वो म्यूज़िक भी बजाते वो चेस भी खेलते हैं भाई इंसान मेहनती है यार और उसके उनके आते हैं फिर रील्स और उनके आते हैं पॉडकास्ट और वीडियोस और कितने अच्छे अच्छे आते हैं तो वो मतलब कर रहे हैं ना यार राइट डॉक्टर होने के बाद मतलब तो डॉक्टर कितनी लफेक्टिव होती है अगर वो डॉक्टर भी कर सकता है तो पर... सोचो रोज मतलब पंद्रह बीस पच्चीस लोग उनके पास अपना दर्द ही लेके आ रहे हैं डॉक्टर साहब मेरा ये डॉक्टर मैं भी वैसे ही गया था ना कि यार ये क्या हो गया मेरे को राइट सेम बट कर रहा है ना बंदा यार वही बिन प्रायोरिटी अपने को सेट करने आना चाहिए अगर आप प्रायोरिटी में डाल देंगे तो हो जाएगा इतनी बड़ी बात नहीं है और कई बार लोगों को लग लगता है यार स्टार्ट ही करना करना एकदम बेस्ट बेस्ट से बट वो तो होगा नहीं कभी लोग लोग पहली बार मैंने एक नोटिस किया भाई कई सारे ना अपने वो परफेक्शन का वो कीड़ा रहता है वो लोग लगता है पहला वीडियो ही जाए एकदम बेस्ट आना चाहिए उसके जैसे कई बार स्टार्ट ही नहीं करते लोग तो इसके लिए क्या बोलना चाहोगे आप भी नसीगे अपना भी बताना ओपिनियन हूँ वही है मतलब इट्स एज सिंपल एज दैट आप यदि पहली बार रोटी बना रहे हो तो नई गोल होने वाली है यार

मैं बोला बेस्ट नहीं कर पाऊंगा लेकिन चालू कर दे धीरे धीरे खुद ही समझ में आते जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है और फिर अगर आपको सही टाइम आता तो आपको गाइडेंस भी मिल जाता लोग बताए ये वही है ना वो मैंने आपको जो बोला ना रिस्टार्ट वाला स्टोरी जो उस कॉन्टेंट क्रिएटर को आज मैंने मैसेज किया सामने से होके वो क्यों किया वो कि मुझे पता है उसने तीसरी बार रिस्टार्ट किया है तो मैंने बोला यार बिफोर द बिफोर ही रीच आउट टू मी से सर थोड़ा गाइड करो मैं सामने से मैसेज करूंगा कि मुझे पता है तूने थर्ड बार रिस्टार्ट किया है और इस बार होगा तू कर तू रुकना मत तो उसको कितना अच्छा लगेगा कि यार सामने से आ गया मैसेज तो उसको एक थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिलेगा जो भी होगा राइट right? राइट right. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार जाके देखो डिटेल में चीजों को समझो तब तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से आप अपनी जिंदगी में चीजें अप्लाई कर पाओगे थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल